हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग है, इसमें क्या अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जो है मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे पास मैसेज करके जो है पूछ रहे हैं कि सर, क्या हम अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है इस साल मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसी के बारे में जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, अभी तक जो है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जो है कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो रिलीज़ नहीं किया है, ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो BMS है इसमें काफ़ी कम सीट जो है वो वैकेंट है, तो इसलिए BMS कोर्सेज में जो है बहुत कम चांस है कि अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है इस साल मौका दिया जाए। ओके बच्चों, बाकी जो अदर कोर्सेज है जैसे कि BHMS हो गया, BOMS हो गया, तो इसमें जो है राजस्थान में जो है जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें काफ़ी सारे जो है सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो BHMS एंड BOMS में जो है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है मौका मिल सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस है। ओके बच्चों, क्योंकि इनमें जो है काफ़ी सारे जो सीट्स है वो वैकेंट है। तो BHMS एंड BOMS में जो है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है मौका मिल सकता है, हो सकता है कि कुछ ही दिन में आपका जो है नोटिस भी रिलीज हो जाए। लेकिन BMS में जो है बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसकी जो सीट्स है वो बहुत कम वैकेंट है, शायद एकाधिक की सीट जो है वो वैकेंट होगी। तो BMS कोर्सेज में जो है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को शायद ही मौका मिले, बाकी अदर कोर्सेज में जो है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को मौका मिलने के जो है पूरा पूरा चांसेस है। ओके बच्चों, तो जब भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी ऑफिशियल नोटिस रिलीज होता है तो उसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। ओके बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, और यदि आप NEET 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको LN के DLP टेस्ट पेपर एंड हैंड राइटिंग नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप हमारे NEET 2021 के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो है LN के हैंड राइटिंग नोट्स एंड LN के DLP टेस्ट पेपर जो है बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके बच्चों, उसका भी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, एंड जो BMS है, BMS फर्स्ट ईयर, उसके जो है एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहते हैं, उसके पेपर्स कैसे होते हैं, बाकी मैंने जो है सिलेबस के ऊपर एंड जो रेफरेंस बुक है उनके ऊपर जो है वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है उन वीडियो को देख सकते हो। बाकी आगे के वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि जो BMS फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पास होना है, कैसे पेपर आता है और कैसे जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। ओके बच्चों, तो इसलिए यदि आप BMS कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यदि चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।